अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फोटोशॉप में फिल्टर प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जो फेस होता है उसे विदाउट किसी भी ब्रश के किसी भी टूल के मदद से आप ओनली एक क्लिक में इसको इतना अच्छा बना पाएंगे, आपकी सोच कुछ इस तरह का पिक्चर बना पाएंगे बहुत ईजी तरीके से। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अब मैं कहता हूँ यार, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे फोटोशॉप के। आपको किसी से फोटो एडिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस ये प्लगइन, ये जो फिल्टर है मैं आपको बताऊँ दिखाऊँगा, आपने डाउनलोड कर लेने। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं ये किस तरह करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। दोस्तों मैं हूँ बशीर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है मिस्टर हूँ बशीर टेक्निकल। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है। दोस्तों हमने सॉफ्टवेयर में आना है, यहाँ पर मेरे पास ये फ़िल्टर पड़े हैं, आप ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िल्टर की किस्म के होते हैं, आपने इधर से कॉपी करना है और आपने सेम ही आ जाना है, यहाँ पर फिर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, ओके। और आप में आ जाना है, अपना आपने फोटोशॉप लिखना है, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लगइन ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप फिल्टर में आकर आपने कंट्रोल वी करना और यहाँ पर कंटिन्यू पर, यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कर देना यहाँ पर, ठीक है, ऑल डाउन स्किप आ रिप्लेस, ठीक है, ओके, और यस कर देना अपने दोस्तों, ठीक है, एक बार कंटिन्यू कर देना एक बार। तो यहाँ पर जो भी हमारे फाइल्स इसमें अपलोड हो चुकी हैं, अब हमने क्या करना है, बैक में आ जाना दोस्तों, ठीक है। बैक में आने के बाद हमने इस फोटोशॉप को, जो हमारे पास अभी तक फिल्टर नहीं आए होंगे, ठीक है, ये देखें, अब मैं एक बार रिमूव इसे ना कट करता हूँ, इसे एक बार रिमूव करके दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसे सिंपली ओपन किया, इसके बाद हमने दोस्तों इसकी की भी देनी है, अपने वीडियो स्किप मत करनी, ये बिल्कुल ये इतना काम नहीं था जो किया है इसमें। इसके बाद मेन फीचर तो वो है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैंने इसे एक फ़ोटो को ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, मिसाल के तौर पर लेना तो मैंने कोई और है, बट यहाँ पर मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ये देखें इसी को लेना था, ले लिया हमने। अब दोस्तों इसमें फ़िल्टर आ गए होंगे, चेक कर सकते हैं अभी, ठीक है, ये देखें फ़िल्टर आ चुके हैं। तो पहले फ़िल्टर मैं अप्लाई करता हूँ दोस्तों, इसमें की मांग रहा है, ठीक है, इसमें की पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और फोर यहाँ बैक आते हैं हम फिल्टर में आते हैं, तो यहाँ पर आपको की मिलती है दोस्तों, की कहाँ गई यार, ये मसला बनेगा अगर की नहीं हो तो हमारे पास, ठीक है। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फिल्टर, तो ये सर्च किया तो हमें ये मिल गया फिल्टर, ये देखें ये की पड़ी है, ठीक है दोस्तों। इस पर क्लिक किया, सबसे पहले हमने इसे कॉपी करना है फास्ट वाले को, ठीक है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, आप दोबारा दोबारा चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह भी हम करते हैं आपके सामने, कंट्रोल वी कर देना अपने दोस्तों। करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है और आपने इसे कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है, कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर देना है, ओनली कंट्रोल वी नहीं हो रहा दोस्तों, क्यों नहीं हो रहा, हो चुका है अभी। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सिंपली ओके कर देना, ठीक है, देखिए ओके हो चुका है, ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ पर ओके करते हैं हम, एक बार बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मेन सिलेक्शन करनी तो वो की नहीं, मैंने एक बार बैक आकर मैंने इसे जूम करता हूँ थोड़ा बहुत, अब तो इसकी हमको साथ साथ पिक्चर भी एडिट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नहीं यार, पहले हम कर लेते हैं फ़िल्टर ओपन, ठीक है, यहाँ पर अब दोबारा आते हैं दूसरे फिल्टर में, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं इसमें दूसरा फिल्टर, ये भी अप्लाई हो जाएगा विदाउट की के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिए थे, इसे क्रैक कर लिया है। तो इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा फिल्टर, इसमें हमें किए देनी पड़ेंगी, ठीक है, तो इसने भी नहीं मांगी, वेरी गुड, कितना अच्छा यार तू तो, हाँ कुछ तो अपनी बात में, थैंक्स। तो आप मेरे पास फिर से लोडिंग ले लेता है, आपके पास इसे लोडिंग नहीं देनी, ठीक है, ये रहा हमारे पास तीसरा फिल्टर, ये तो हर हाल में मांगेगा, एक्सेप्ट करना था, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं एक्सेप्ट, तो यहाँ पर ईमेल देना हमने, कंट्रोल वी करना और इसे हमने ये कॉपी करना ये वाला, ठीक है, इसमें चेंजिंग आ जाती है, तंग कर सकता है आपको, आगे पीछे हो सकती है, बट आपके सामने कर रहा हूँ सब कुछ मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें इसने की जो एक्सेप्ट भी नहीं की, अब इसने नीचे वाले भी एक्सेप्ट नहीं की, थोड़ा सा तंग कर सकता आपको इसे, मुझे पता है क्योंकि मैं हर बार करता हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है,
की जो है ना, सॉरी यार, तो यहाँ पर हमने पेस्ट करनी है। अब तो हो जाएगा ये, देखो अब हो चुका, ठीक है। ओके, इतना ओके कर लें यहाँ पर, ठीक है। दोबारा फिर हम कीज़ को ओपन करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं तीसरे फिल्टर में। ये देखिए, हमने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया, अभी हमने कुछ बूश भी यूज़ नहीं किया, तब भी हमारी जो क्वालिटी पिक्चर की वो बहुत अच्छी बन चुकी है। हमारे पास एक और रहता है, अभी आपको दिखाता हूँ इसके बाद लास्ट वाला। तो दोस्तों वो कौन सा, यहाँ पर आइए, ये लास्ट वाला अप्लाई करना, इसे भी उसने नहीं मांगा, ओनली हमारे से उसने दो ही लिए, एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपने प्लगिंग करने। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसकी जो फेस कैसे कलर करने है। फेस को कलर करने के लिए दोस्तों हमने करना एक बार बैक, दूसरी बार बैक, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, हमने दो लेयर बना लेनी है, बैक करना थोड़ा सा इतना, ठीक है। बैक करने के बाद थोड़ा जूम भी कर लेते हैं हम, और सबसे पहले हमने ये टूल यूज़ करना है, ये वाला, और एक साफ एरिया पर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने आल्ट प्रेस करना है, आल्ट और राइट बटन क्लिक करना है माउस से, इसका साइज बढ़ा लेना है। तो आपने अब यहाँ जहाँ पर एक्ने आपको दिखती है दोस्तों, आपने इस तरह अप्लाई करते जाना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए, तो दोस्तों आपके सामने जो भी एक्नी है, मेरे फेस पिंपल है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है इसके ज़रिए। इस तरह से आप इजीली अपने जो एक्नीज वगैरह वो से अच्छी तरह रिमूव करें, ताकि जो हम ब्लरिंग जब होता है ना, तो वो रेड सा थोड़ा सा निशान छोड़ जाता है, क्योंकि वो धब्बे होते हैं। इसलिए आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आप पहले ही उसे रिमूव कर लें, बेस्ट तो यही रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसे ओनली ख़त्म कर लिया आपके सामने, जितने भी धब्बे वगैरह थे मैंने ओनली साफ कर लिया अच्छी तरीके से, जितना मैंने इसमें मेहनत की है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो ऐप है बाकी आपको खुद ही बना देगा, आपकी पिक्चर को अच्छी क्वालिटी दे देगा। अब क्या करना है दोस्तों हमने, अब हम तकरीबन हमने जो पिंपल वगैरह थे वो तो ख़त्म कर ली, बट इस टूल की मदद से हमने, सिलेक्शन टूल की मदद से हमने यहाँ पर क्लिक कर लेना, हमने इसकी सिलेक्शन करनी है दोस्तों। इस तरह से आपने अपने हिसाब से सिलेक्शन आप कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। मैंने तो अपने हिसाब से सिलेक्शन कर ली है, तो यहाँ पर इस तरह से, सॉरी एक बार बैक, तो यहाँ पर हमने इस तरह से करना है सिलेक्शन। ओके, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, फेस पर आना है, यहाँ पर जो हमारे पास ये है आपने इसे भी और गहरा करना है। तो कि यार इसने तो बहुत MMM, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर अब ठीक है, इसके बाद भी हमने यहाँ पर ख़त्म कर लेना है। अब ये टूल यूज़ करना है जो यहाँ पर हमारा नोज़ है ना, यहाँ पर इसे सिलेक्शन करते हैं इस तरह, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद और एरिया रहता है नहीं ना, और फिर हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जिस तरह मैंने सिलेक्शन की है इजी तरीके से, बिल्कुल आपने इससे करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर फिल्टर अप्लाई करने हैं वन बाय वन। मैंने एक अप्लाई किया, आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपने ओनली फिल्टर अप्लाई किए जाना है। मैंने अभी आपको दिखाया फिल्टर अप्लाई करके, क्या आपको मैंने सिंपली अप्लाई करते जाना है, तो आप इमेज को बस देखना कि कितनी हमारी इमेज अमेजिंग बनती है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी बन जाएगी इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा देखने में। फिर हमने एक फ़िल्टर देना, ज़्यादा फिल्टर नहीं देने, ओनली
तो हमारे पास लास्ट वाला फिल्टर, ये फिल्टर, ये बेस्ट फिल्टर है, काफ़ी अच्छा स्मूथ कर देता है फेस को। तो दोस्तों कंट्रोल डी करना, तो दोस्तों स्मूथ कितना अच्छा हुआ है फेस हमारा, देखा आपने। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी लाइट दे सकते हैं आप इसमें, कंट्रोल जे कीजिए और यहाँ पर कीजिए लाइट दीजिए और यहाँ पर आ जाइए फेस में। तो आपने जो यहाँ पर कलर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसकी तकरीबन से आप 20 कर सकते हैं। आपने फिर क्या करना, ब्रश की मदद से आप दोस्तों वो जो आपने सिलेक्शन की है कैपेसिटीज की, आपने हमेशा लो रखनी है और हमेशा ब्रश आपने सॉफ्ट रखना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बट यार इसमें ओरिजिनल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी आप देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हैं, बट मैं इसमें नहीं देने वाला। देखो दोस्तों कितनी शाइनिंग आ रही है इमेज में, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट यार इतना ज़्यादा ब्लर करना भी अच्छा नहीं होता, स्मूथ कर देना और इतना वाइट करना, ठीक है। जो ओरिजिनल है मुझे तो वही पसंद है, उसमें मैं तो आपको थोड़ी सी लाइट देकर दिखाऊंगा। आपसे शायद जैसा भी ना हो, क्योंकि इतना आसान काम नहीं होता, बट आप जब करेंगे ना तो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये बेस होती है इंटरेस्ट बेस पर, ठीक है, अगर आप में इंटरेस्ट है आप पिक्चर को बहुत अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। अगर आप में इंटरेस्ट भी नहीं है तो आप जब मर्जी करें यार आपको ये अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आपने करना है इसे यहाँ पर आ जाना है, ये आपने कर देना है यहाँ पर आकर स्क्रीन, स्क्रीन में मज़ा नहीं आ रहा तो यहाँ पर सही रहेगा। इतना रखने बाद यहाँ पर तकरीबन डार्क, ठीक है, और ओके दोस्तों अब मैं इसे एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसे प्लस में सर्च करते हैं, कंट्रोल एम करते हैं। कंट्रोल एम करने के लिए आपने क्या करें, इमेज में जाना है और एडजस्टमेंट और यहाँ पर कंबल, ये देखो लाइट दी थोड़ी सी मैंने, ये पिक्चर की हमारी क्वालिटी वहाँ पर आ चुकी है अच्छी क्वालिटी, बल्कि इसके हमारे हेयर आप देख सकते हैं कितनी क्वालिटी में हेयर है, ठीक है, और कोई हमारे पिक्सल वगैरह कम वगैरह नहीं हुए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो है आपको पसंद ज़रूर आने वाली ही है, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको बताया है। तो और कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि यार आप और भी कुछ सीख पाए अच्छे से, अच्छा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं जो इसके लीव्स हैं इन्हें अच्छा और भी गोल्ड करना भाई, और भी इसकी शाइनिंग बनाना, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये पेन टूल यूज़ करना है, पेन टूल, ठीक है। तो पेन टूल यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, एक लेयर बनाइए न्यू, ठीक है, यहाँ पर लेयर बना कर रखना और यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर लिया, तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आर्ट प्रेस किया, सॉरी। तो यहाँ पर आकर इधर क्लिक कीजिए, इधर क्लिक कीजिए और इधर क्लिक कीजिए, यहाँ पर इतना करने के बाद आपने क्या करना, आर्ट प्रेस करना है, फिर आपने आना यहाँ पर, फिर आना आपने यहाँ पर, फिर आना आपने यहाँ पर। दोस्तों ये बहुत अमेजिंग चीज़ होती है, अगर आपको इसकी कटिंग आ जाती है ना पास, फिर तो आप पूछे भी ना, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल एम करना है, ओ एम सॉरी या टू इसे डिलीट भी करते बस। तो इतना करने के बाद कंट्रोल यू करें, तो यहाँ पर आप कलर एडजस्ट कीजिए, देखें दोस्तों अपने हिसाब से वो कलर चेंज हो रहा है, आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर रख लें। दे देखें मैंने तकरीबन यहाँ पर किया, सैचुरेशन इसकी कम की, सैचुरेशन में यहाँ पर थोड़ा
थोड़ा सा यहाँ पर, तो कंट्रोल डी। तो दोस्तों अब लीव्स अगर आप चाहते हैं इसमें फ़र्क देखना तो वो कैसे चेक करें दोस्तों, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए आपने इसे इस तरह कर देना दोस्तों, ये देखें कितनी क्वालिटी हमारी इमेज में आ रही है। ओके और भी, तो दोस्तों अब हमारे होठ जो हैं पहले से काफ़ी अमेजिंग बन चुके हैं, लिप्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी जो मैंने आपको तरीका सिखाया, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं ये तरीका आपको अच्छा नहीं लगता, आप कटिंग के बगैर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्लियर देनी है, उसे वो कलर सेलेक्ट करना जो आप देना चाहते हैं। मिसाल के मैंने ये कलर दिया, कोई और कलर दे, तो मैं सिखाना भी है दोस्तों आपको बस ओनली। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बार इसे सेव कर लेता हूँ इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेव पर गया, ओनली सेव पर क्लिक किया और इसे सेव कर दिया, और आगे प्लस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आया और ये टूल लिया, इसे हमने इमेज साइज छोटा किया, ओके हो गया। अब आपने प्लस जूम करना है सिर्फ, और यहाँ पर अप्लाई करना है इस तरह से, ये देखिए, देखिएगा, दिखता रहेगा, ठीक है। आप ये ना समझिएगा यार ये तो बिल्कुल बकवास है, बट बकवास नहीं दोस्तों, आप जब देखेंगे वाह यार वाकई कुछ तो कमाल किया है। बस देखते जाएं आप मैं करता कैसे हूँ, आराम सुकून से धीरे धीरे करना, ठीक है। आपने जल्दी क्या यार, आपको ना मुझे जल्दी है ना आपको जल्दी है। दोस्तों इतना करने के बाद हमने यहाँ पर आना है, तो इस कीबोर्ड की मदद से अपने लिफ्ट, अब दोस्तों बैक करते हैं, ये देखिए ये जो हमारे लिप्स हैं कैसे चेंज हो रहे हैं, ये देखें डार्क मोड में मुख्तलिफ कलर, ये जो आपके कीबोर्ड पर बटन दिए होते हैं दोस्तों आप देखिएगा कितना चेंजिंग है, ये देखें ये देखें ये देखें इस तरह। अब आप यहाँ पर कंट्रोल यू करके इसका भी कलर मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं, ये देखिए आप जो मर्जी कलर देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं आसान तीन तरीके से, ठीक है। ओके तो यहाँ पर इसे मैं एक बार रिमूव डिलीट कर दिया, वैसे मैंने आपको सिखाना चाह तो आप किस तरह से जो लिप्स होते हैं उनको दो तरीके आपको बताए हैं, इन दो तरीकों को आप फॉलो करके अपने हिसाब से अपने लिप्स बना सकती हैं, किस तरह बनाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर बताना, इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा मेरा तरीका जो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो यार कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं भी लगा फिर भी बता देना सर आपका कोई तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में यार, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि इसको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे वीडियो तो नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया, तो अगली वीडियो में हम फेस को कलर करना सीखेंगे, ठीक है, इसमें भी बताया लेकिन और भी अमेजिंग तक, ताकि आप बहुत कुछ आगे जा सके और सीख पाए, प्रैक्टिस भी इसमें हो जाएगी आप सबकी, ठीक है, तो मज़ा भी आ जाएगा वीडियो फोटो एडिट करने का। तो अब के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद कीजिएगा, ठीक है, और अल्लाह हाफिज़।